होता है, जिनकी एक कृपा कटाक्ष नेत्रांतस्ते विकीर्ण अद्भुत कुसुम धनुष्चंड सत्कांड कोटि, जिनका एक कृपा कटाक्ष साधारण नहीं अद्भुत अद्भुत अनंगों का सृजन कर देता है, वो वृंदावनेश्वरी जब हृदय के प्रेम से, अच्छा एक होता है किसी को बिना किसी भाव के स्पर्श करना, जब हम किसी को बिना किसी भाव के स्पर्श करते हैं तो परिणाम कुछ और होता है, और जब हम किसी को हृदय के प्रेम से भरकर स्पर्श करते हैं तो परिणाम कुछ और होता है। आप देखिए एक साधारण जीव के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि जब वो प्रेम से भरकर किसी को आलिंगन करता है तो जिसको आलिंगन करता है उसको एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है क्षणिक। जब आप प्रेम से भरकर किसी को आलिंगन करते हैं तो उसको आनंद मिलता है, एक साधारण जीव के प्रेम में ऐसी सामर्थ्य है। और ये तो सांद्रानुराग रस सागर सार मूर्ति, सांद्रानंद उन्मद रसघन प्रेम मूर्ति किशोरी हैं। ये जब वृंदावन की तरु लताओं को अपने हृदय के प्रेम में भरकर, क्योंकि वृंदावन की तरु लताओं पर प्रिया जी का लाड़ किस लिए है, क्योंकि सहचरियां भी जब कुंज रंध्रों से प्रिया लाल की अंतरंग केली का दर्शन करती हैं, तब ये तरु लताएं हैं जो निरावरण प्रिया और लाल की अंतरंग केली का पान करती हैं। इसीलिए कल मैंने निवेदन किया था कि कर सको तो वृंदावन की तरु लता की सेवा करो। व्यास जी कहते हैं वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध, गुरु गोविंद सखी सखा सब फल फूलन की गंध, इन्हें पीठ दे अनत दीठ करे सो अंधन में अंध, और व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताकू परे निकंध। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुतवंद, यही इनका रस वैभव है कि स्वामिनी अपने हृदय के प्रेम में भरकर इनका स्पर्श करती हैं। कभी कोई लता लगाती हैं और एक एक अद्भुत सी अभिलाषा स्वामिनी के मन में आती है कि जब ये लता बड़ी हो जाएगी, जब ये लता अपने यौवन को प्राप्त करेगी, तब प्रियतम ने जो लता लगाई है उस लता के साथ मैं इस लता का विवाह महोत्सव संपन्न कराऊंगी। ये स्वामिनी की अद्भुत लीला है। क्या होता है कि कन्या वैसे ही बड़ी प्यारी होती है माता पिता को, लेकिन जिस समय कन्या का विवाह होता है उस समय माता पिता अपनी सब संचित संपत्ति, अपना संचित भाव कन्या पर और वर पर उड़ेल देते हैं, कन्या को साथ देते हैं। ऐसे स्वामिनी एक बड़ी अभिलाषा में भरकर वृंदावन में एक लता लगाती है, और फिर एक साथ में ही अभिलाषा मन में आती है कि जब प्रियतम के द्वारा लगाई लता से मैं इसका ब्याहुला कराऊंगी, या को विवाह महोत्सव संपन्न कराऊंगी, और सखियां दर्शन करती हैं इस अद्भुत प्रेम लीला का, सखियां अद्भुत दर्शन करती हैं इस अद्भुत भाव लीला का कि जब स्वामिनी विवाह संपन्न कराती है तो जैसे कोई कोई माता पिता अपनी सब संचित संपत्ति उड़ेल देते हैं अपनी कन्या पर, ऐसी प्रिया जी उस लता पर अपने हृदय का संचित प्रेम उड़ेल देती है। यही वृंदावन की तरु लताओं की कृपा है, यही वृंदावन की तरु लताओं की दिव्यता है कि स्वामिनी द्वारा सिंचित है, स्वामिनी का पुनः पुनः दृष्टिपात होता है इन पर, स्वामिनी के श्रीअंगों का आवरण रहित दर्शन ये तरु लता करते हैं। इसीलिए इनका आश्रय लेने वाला उस रूप रस का पान करता है। कल भी मैंने निवेदन किया था मेघ जो जल बरसाते हैं वो जल मेघों का जल नहीं है, वो जल समुद्र का जल है। मेघ खींचते हैं फिर सींचते हैं, ऐसे ही इन तरु लताओं के नीचे बैठकर जो भाव स्फुरित होता है, इन तरु लताओं की छाया में बैठकर भजन करने से जो युगल की रूप माधुरी वृंदावनेश्वरी की लीला माधुरी का पान होता है, वो भले वृंदावनेश्वरी की कृपा है पर समुद्र का जल तो खारा होता है, सबके पान करने योग्य नहीं होता। और वही जल जब मेघ बरसाते हैं तो जल मीठा हो जाता है, संचित करने योग्य हो जाता है। ऐसे ही केवल भजन मात्र करने से भले आपको वो रस आस्वादन हो ना हो, लेकिन जब इन तरु लताओं की छाया में बैठकर कोई भजन करता है, और जैसे प्रेम का स्वभाव है प्रेम उष्ण होता है, प्रेम में एक एक प्रकार का ताप होता है, प्रेम जिसके हृदय में आता है उसको तपाता है, जिस प्रकार स्वर्ण तपने पर ही शुद्ध होता है उसी प्रकार जीव भी प्रेम का स्पर्श पाने के बाद ही भगवत भाव और भगवत सेवा के योग्य होता है।
प्रेम ही जीव को निष्काम करता है, प्रेम ही मति को निष्काम करता है। तो जब प्रेम का स्फुरण होता है, जैसे भूमि तपती है जेठ और आषाढ़ में, फिर सावन भादो बरसता है, ऐसे इनकी छाया में बैठकर जब किसी के हृदय में प्रिया और लाल के दर्शन की अभिलाषा रूपी जेठ और आषाढ़ आता है, फिर ये लता तरु कृपा करके उस अपनी शरण में आए पर सावन भादो की तरह प्रिया और लाल के रूप रस की वर्षा कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि ये रस इनको स्वामिनी के कर कमलों से प्राप्त है, ये रस इनको वृंदावनेश्वरी स्वामिनी की कृपा दृष्टि से प्राप्त है। इन तरु लताओं ने प्रिया और लाल की अंतरंग केली का सतत अगाध अबाध निरावरण दर्शन किया है, इसीलिए महाप्रभु दंडवत साष्टांग प्रणिपात करते हुए याचना करते हैं, भो भो दिव्याद्भुत तरुलता तत्कर स्पर्श भाज हे राधाया हरति ग्रह शुका हे मृगा हे मयूरा। इनसे याचना करते हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर कृपा करें। ये स्वामिनी की वृंदावन की तरुलताओं के संग होने वाली नित्य लीला है। श्लोकान प्रेष्ठ यशोंकितान गृह शुकान अध्यापयेत कर ही चित। और इन तरुलताओं पर जो शुक पिक, जो कोकिल मयूर कूजन करते हैं, उनको स्वामिनी अपने प्रियतम के यश से अंकित श्लोक सिखाती है, उन पर ऐसी कृपा करती है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद शतकों में वर्णन करते हैं कि कैसे नन्ने नन्ने स्वर्ण के घुंघरू प्रिया जी एक एक शुक और एक एक पिक के चरण में अपने हाथ से बांधती हैं, एक एक शुक को, एक एक कोकिल को अपनी और अपने प्रियतम के हृदय की अंतरंग बात बताती हैं, सुनाती हैं, सिखाती हैं। और तभी चाचा जी गाते हैं, पढ़ री मैना कछु राधा को जस तू शुक वरन मोहन रस बतिया। कभी वृंदावनेश्वरी की कृपा हो, कभी स्वामिनी कृपा करे, तो इन तरु लताओं की छाया में बैठकर उन पर कूजन करने वाले ये शुकपिक जो राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो। जो शुक्पिक और कुछ नहीं कहते, और कुछ नहीं गाते, केवल राधा का यश गाते हैं, केवल स्वामिनी का यश गाते हैं। ऐसी लीला स्वामिनी की वृंदावन इस वृंदावन धाम के साथ है, ऐसे लीला रस की वृष्टि स्वामिनी इस वृंदावन धाम पर करती है। वृंदावन की अवनी को स्वामिनी कृतार्थ करती है कि जो चरण कमल लाल जी मनहू के कर्ण सो छुअत डरत है, जिन सुंदर सुकोमल चरणारविंद को प्रियतम अपने मन के कर से छूने से भी डरते हैं, कोटि प्राण प्रियतम जिन चरण कमलों पर सदा न्योछावर करते हैं, अपने प्राणों की अवनी बनाते हैं प्रिया जी के पग धरने से पहले, कुंवरी चरण अंकित धरनी देखत जी जी ठोर, प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर। और कहीं उन चरणों का कोई चिन्ह लाल जी को दर्शन में आ जाए, दृष्टि पथ में आ जाए, तो सब भूल कर, सब कुछ विस्मृत करके लोटपोट होते हैं। कैसा अद्भुत अनुराग प्रिया जी के चरण चिन्ह पर लाल जी का है। वृंदावन की अवनी, वृंदावन की ये धरा, वृंदावन की ये भूमि, जिसके लिए रसिक कहते हैं, सिर काटों पावक जरों डूब मरों विष खाऊं पे वृंदावन छाण के अनतना कित हो जाऊं। ये स्वामिनी के हृदय का अंतरंग प्रेम इस वृंदावन धाम के लिए है, क्योंकि सतत सुख देता है प्रिया जी को। देखो वो जो परम तत्व है वो स्वरूप से युगल है, गौर और श्याम। और यहां रसिक लोग
अपने अनुभव से प्रतिष्ठा किए हैं कि ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अभिराम। तो रसिकों का जो उपास्य तत्व है, आराध्य तत्व है, वो चतुर्व्यूहात्मक है, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरी। और शास्त्रों के, वेदों के अनुसार अनुरूप वो परम तत्व युगल स्वरूप है, गौर और श्याम। तो फिर यहाँ ये चार तत्व क्यों हैं? चार नहीं है, वस्तुतः दो ही हैं, हरि और राधा। इसमें वृंदावन है, वो श्री राधा की जड़ीभूत मूर्ति है, रसघन मोहन मूर्ति है श्री राधा की। और सहचरी जो है वो लाल की इच्छा है, श्री स्वामी जी महाराज का पद है। लाल जी के मन में अनंत अनंत अभिलाषाएं सदा उत्पन्न होती रहती है प्रिया जी को लाल लड़ाने की। लाल जी का मन होता है मैं ही बीरी खवाऊं, मैं ही प्रिया जी की बेनी गूंथूं, मैं ही प्रिया जी का श्रृंगार करूं, मैं ही प्रिया जी के नैनों में काजल दूं, मैं ही प्रिया जी को चमर डोराऊं। तो वो लाल की जो अनंतारंत इच्छाएं हैं वही सहचरियों के रूप में प्रकट होती हैं। और लाल जी की शक्ति कौन है? प्रिया जी। ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेव सेव्या मम। इसीलिए यहाँ सहचरी को इच्छा शक्ति कहा जाता है। लाल की इच्छा और प्रिया की शक्ति, और प्रिया की शक्ति यहाँ शक्ति से कोई अन्य अर्थ नहीं लेना चाहिए। प्रिया जी का प्रेम, प्रिया जी का सांद्र अनुराग ही प्रिया जी का बल है, जिसको महाप्रभु ऐसा कहकर गाते हैं कि देखो माई अबला के बल राशि, अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंध्यो लटपास। यही प्रिया जी की शक्ति है, प्रिया जी का प्रेम, प्रिया जी का ये सहज स्वभाव, प्रिया जी की ये सुकोमलता, प्रिया जी के स्वभाव की मृदुता, प्रिया जी का 64 कला और अनंतानंत कला प्रवीण होने पर भी वो सहज भोलापन, यही प्रिया जी का बल है, जिससे केवल लाल जी नहीं समस्त सहचरियां भी प्रिया जी के श्री शरणारविंद पर बिकी रहती हैं। महाप्रभु तो कहते हैं तब कृतास्मि दासोत्सव है, आपके दासोत्सव में मैं बिक गई बिना मोल, केवल आपकी नेक से हास की हमको अभिलाषा है, केवल आपकी मंद मृदु मुस्कान की हमें अभिलाषा रहती है। ये अभिलाष किशोरी मोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन संग मुदित विराजो, मोह करो Oh.